सहरसा जिले में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के चिड़ैया उप क्षेत्र के चानन गांव की है, जहां दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में जमकर गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। चिड़ैया ओपी अंतर्गत एक चानन गांव है, जमीनी विवाद को लेकर वहां गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई। अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मुजरिम की गिरफ्तारी हुई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हल्ला भले जने समूह आ गेलिए तेरा गोली लागल है, वहां से पकड़ करके हम उठाए, वहां से लेकर चल लिए सीधे के लिए डॉक्टर में, पहले ले चला डॉक्टर। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक साथ तीन हत्याकांडों का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में हुई है। SP ने बताया कि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद ललित यादव की हत्या और बगहा में लूट पाट के दौरान हत्या समेत कई मामलों में पुलिस को इन अपराधियों की तलाश थी। महत्वपूर्ण हत्याकांड जो दो दिन पहले एक घटना घटी थी, ट्रिपल मर्डर, उसमें एक महत्वपूर्ण हत्याकांड था ललित यादव हत्याकांड, जो कि पूर्व पार्षद थे और वर्तमान पार्षद के पति थे, उनका हत्याकांड। और बगही में एक मधुपुरा का बच्चा था, उसकी बहन को हॉस्पिटल में देख कर लौट। सुपौल पुलिस ने पटना उत्पाद विभाग के सहयोग से कंटेनर और एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। दरअसल पटना उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा के नंबर प्लेट का एक कंटेनर और एक बिना नंबर की बुलेरो पिकअप में घरेलू फर्नीचर का सामान लदा हुआ है, जिसके अंदर भारी मात्रा में शराब छुपा कर लाया जा रहा है। इसके बाद पटना उत्पाद विभाग और सुपौल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए सदर थाना के बरुआरी गांव में बरामद कर लिया, यानी शराब बरामद हुई है वहां से। महत्वपूर्ण बरामद की है, यह बरामद की मदद से टीम के सूचना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 1452 लीटर अंग्रेजी शराब है, जो कि मूलतः हरियाणा से लाया गया प्रतीत होता है। जो कंटेनर है वो हरियाणा का है और जो पिकअप वैन है वो बिहार का है, स्थानीय है, ये बरुआरी के पास।